हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज मनाया जा रहा है प्रवासी भारतीय दिवस, जिसे कहा जाता है एनआरआई डे। ये क्यों मनाते हैं? तो ये मनाते हैं क्योंकि आज ही के दिन, दैट इज ऑन 9 जनवरी 1915 में महात्मा गांधी जी, जब फादर ऑफ अ नेशन, ये इंडिया आए थे फ्रॉम साउथ अफ्रीका। तो ये पूरी तरह से साउथ अफ्रीका से रिटर्न इंडिया आ गए थे और यहाँ के इंडियन नेशनल मूवमेंट में इन्होंने अपना कदम बढ़ा दिया था। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि 2003 से हम प्रवासी भारतीय दिवस मनाना चालू किए थे, लेकिन ये हर साल मनाया जाता था। 2015 से हमने इसे थोड़ा सा अमेंड कर दिया और ये कहा कि हर 2 साल में हम एक बार ये प्रवासी भारतीय दिवस मनाएंगे। ये मनाया इसलिए जाता है कि जो भी ओवरसीज सिटीजन रहते हैं, जो भी एनआरआईज रहते हैं, तो वो लोग किस तरह से इंडिया के डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, तो उन्हें कॉमेमोरेट करने के लिए, उन्हें याद करने के लिए हम ये डे उन्हें डेडिकेट किए हैं। तो ध्यान रखिएगा इसके अलावा कि 16th प्रवासी भारतीय दिवस जो मनाया गया, तो उसका थीम था कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत। अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। इसके साथ ही 2 क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए यहाँ लेकर आई हूँ, जिसका आंसर फटाफट मैं चाहती हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में कीजिए। पहला कि साउथ अफ्रीका में गांधी जी ने कौन सा यहाँ पर एक आश्रम बनाया था, और दूसरा साउथ अफ्रीका का गांधी किसे कहा जाता है। ठीक है, तो कमेंट में अपने आंसर्स दीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।